फ्रेंड गुड मॉर्निंग, सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं एलोवेरा का खाद बना रही हूँ, देखिए तो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बार बार बनाती हूँ पर वीडियो नहीं बना रही थी, तो आज मैं बना रही हूँ। मैंने इतने 3 पत्ती ली थी, इतने तो मैंने 2 काट लिए, एक ये बाकी है काटना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये बड़े वाला पत्ता लेना फ्रेंड, और इसमें जो इसका पल्प ज़्यादा हो, देखिए इसमें ज़्यादा पल्प है। ऐसे ही आप पत्ता लेंगे तो अच्छे से खाद बनेगी, लिक्विड खाद। और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, हमारे पौधों के लिए वरदान है, अमृत जैसा काम करता है फ्रेंड ये हमारे पौधों के लिए। ये सब जगह पौधे, ये एलोवेरा सब जगह मिल ही जाता है, सबके गार्डन में होता ही है फ्रेंड। एलोवेरा बहुत सारे कामों में आता है, गर्मियों में आप इसका जूस बनाकर पिए और आप इसमें गुड़ डाल के पिए तो बहुत ही अच्छा आपको ठंडक देता है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सब मिलता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं फ्रेंड इसमें से, तो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये जब हमारे पौधे में कोई कीड़े लगे हो तो ये पेस्टिसाइड का भी बहुत अच्छा काम करता है, इसे स्प्रे करें बनाकर तो बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड। तो मैंने इसमें पानी लिया है फ्रेंड 2-3 लीटर जितना, तो मैं 3 पत्ती ली है, बड़ी बड़ी पत्ती थी मैंने काट ली है, एक ये बाकी है काटना। तो बहुत ही अच्छे से आप छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और इस भिगो दीजिए फ्रेंड, 2-3 दिन भिगो दीजिए तो अच्छे से इसकी खाद बन जाएगी। और फिर खाद बन जाए तो आप रोज़ हिलाते रहिए फ्रेंड, और ढककर रखें छांव में, कहीं भी ढककर रखें। और खाद बन जाए तब आप इसमें छान कर इसमें आप नीम खली डाल दीजिए तो आपके पौधों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साफ पाउडर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, नीम खली भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी इसमें से आपके पौधे के लिए खाद बन जाती है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे पौधे के लिए वरदान है फ्रेंड। ये हमारे लिए भी अच्छा ही है फ्रेंड, ये हम भी खाते हैं, हम चेहरे पर लगाते हैं, बालों पर लगाते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो गर्मियों में बहुत पीती हूँ फ्रेंड ये बनाकर। और इसमें जो हमारे यहाँ गुजरात में तकमरिया बोलते हैं, ब्लैक सीड आता है, वो भिगो कर इसमें रख देती हूँ, फालूदा जिसमें बनाते हैं ना उसमें डालते हैं ना, इसका नाम मैं भूल गई हूँ फ्रेंड, तो वो भी इसमें डालकर मैं पीती हूँ, गुड़ वाला पीती हूँ मैं, चीनी या शक्कर नहीं डालती, बहुत ही अच्छा रहता है हमारे, इसमें फाइबर होता है तो हमारे पेट के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, ये अमृत जैसा है। आप कहीं से भी, आपके पास ना हो तो कहीं से 2-3 पत्ती लाइए और ये खाद बनाइए तो बहुत, आप खाद बनाकर आपके पौधे को दीजिए फिर बताइए कितना अच्छा फ़ायदा होता है इससे हमारे पौधों को। तो फ्रेंड मैंने ये काटा नहीं है तो आपको दिखाने के लिए कि ऐसे ही पत्ते लेने चाहिए, इसमें जो ज़्यादा पल्प हो वो अच्छे से गल जाता है और अच्छे से खाद बनता है। ये 2 पत्ते हैं मैंने काट लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो फिर जल्दी गल जाता है, गल तो जाता ही क्योंकि इसमें ज़्यादा पल्प होता है। इस पौधे को लगाने के लिए फ्रेंड बहुत ही इजी टू ग्रो है और पानी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि इसके पत्तों में इतना पानी होता है, देखिए बहुत पानी होता है इसमें, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है तो पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। जो हम खाते हैं वही पौधों को हम देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, देखिए कितना अच्छा है। ये बड़े बड़े पत्ते लिए थे मैंने, 2 काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, एक ये बाकी है आपको दिखाने के लिए कि कैसा पत्ता लेना चाहिए। छोटे पत्ते हो तो भी चलेगा फ्रेंड, ये लगाना भी बहुत ही आसान है, एलोवेरा का पौधा आप एक बार लगा देंगे तो कभी नहीं जाएगा, आसपास में ज़्यादा उसमें से सूत निकलती है तो बनते रहते हैं पौधे, तो आप एक बार लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर लेगा, गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और हमारे सब जो गार्डनर हैं उसके पास ये पौधा तो होना ही चाहिए फ्रेंड, लगभग होता ही है सबके पास, पर ना हो तो लगा दीजिए फ्रेंड, ये हमारे लिए भी और हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसका खाद बहुत ही अच्छा बनता है। और पौधे के लिए कोई भी पौधा हो, फ्रूट वाला हो, पत्ते वाला हो, कोई भी हो उसमें ये डालिए, फूलों वाला पौधा, ये पेस्टिसाइड भी अच्छा बनता है, इससे स्प्रे करेंगे कोई पौधों में कुछ कीटनाशक कीट लग गया है कीटाणु तो ये इसका स्प्रे करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा इसके लिए, मिलीबग हो कुछ भी हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है फिर।
और दो तीन दिन ये भिगो कर इसमें आप रख देंगे, छाँव में रखेंगे ढककर, तो बहुत ही अच्छे से ये गल जाता है पूरा और अच्छा खाद बन जाता है। तो फ्रेंड आप भी ये बनाइए। तो फ्रेंड आप, मैं ये काट रही हूँ, ऐसे ऐसे छोटे टुकड़े कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब गलने में आसानी होगी। बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं पर ऐसा कुछ नहीं, तो जल्दी गलेगा नहीं, ये जल्दी गल जाएगा अच्छे से। देखिए इसमें पल्प कितना है फ्रेंड, देखिए इतने अच्छे पल्प है। ये पौधे लगाने में भी फ्रेंड आप लगाते हैं तो भी इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा, पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छा होता है। देखिए खाने का मन कर रहा है फ्रेंड, ऐसा होता है ये। तो फ्रेंड एक अच्छे से मैंने काट लिया है, देखिए अब मैं इसे पानी में रखूंगी। अब मैं ये पानी में डाल दूंगी ये पौधे, ये एलोवेरा के टुकड़े, देखिए पानी में मैंने डाल दिया है। और इसमें अब मैं थोड़ा गुड़ डालूंगी, इतना गुड़ डालूंगी तो बहुत ही अच्छी खाद बनेगी। इसमें से कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है गुड़ में से, ये देसी गुड़ है फ्रेंड, देसी डालिए तो अच्छा रहेगा। फॉस्फोरस मिलता है गुड़ में से और जल्दी ये खाद बन जाती है, तो बहुत ही अच्छे से खाद बन जाएगी। और ढककर रख दीजिए आप तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं फ्रेंड बनाती रहती हूँ पर एक पहली बार मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड ये मिल्क लिया है मैंने, आधा ग्लास मैंने दूध लिया है, देखिए आधा ग्लास दूध है, आधा मैंने पानी भर लिया है, ये भी इसमें डाल दूंगी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ बनेगी फ्रेंड पौधों की, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी इससे और बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। अब मैं इसे हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से, और तीन दिन चार दिन मैं इसे भिगो के रख दूँगी, ढक के रख दूँगी, बहुत अच्छी खाद बनता है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं ये सब पौधों को दे सकते हैं फ्रेंड। इंडोर प्लांट को मत दीजिए पर आउटडोर जो भी पौधे हैं उसे दीजिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। और ये पेस्टिसाइड भी बहुत ही अच्छा बनेगा, पौधों को स्प्रे करेंगे तो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड ये मैंने बना लिया है, देखिए बना लिया, हिला दिया मैंने अच्छे से, मिक्स कर दिया है। अब मैं ढक के रख दूँगी, दो तीन दिन के बाद मैं आपसे मिलूँगी, बताऊँगी कि कैसा खाद हुआ है ये। फ्रेंड हमारे कोई भी पौधा हो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, अमृत जैसा काम करता है। इसमें सब फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फेट सब मिलता है इसमें, देखिए जिंक, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें आते हैं। जो गुड़ है उसमें भी फॉस्फोरस मिलता है, आयरन मिलता है, दूध में भी मिलता है, तो बहुत ही विटामिन डी विटामिन सी सब मिल जाता है इसमें पौधों को, जो भी ज़रूरत होती है हमारे पौधों को ये मिल जाता है। और इसमें फ्रेंड इतने से ज़्यादा पानी मिलाकर आप पौधे को दीजिए, जब भी पौधों को दो आप पानी, ये लिक्विड खाद तो नीचे से बह नहीं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा खाद होता है तो पानी में बह जाए तो वो ठीक नहीं है। गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा सब पौधे को दे दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और कोई कीड़ा नहीं लगेगा आपके पौधों में, और बहुत ही ये खाद जो है ना ख़राब नहीं होता जल्दी। मैं तो वैसे बना कर दे ही देती हूँ, रखती नहीं हूँ। और इस खाद बन जाए तो छान कर देना फ्रेंड, ये सब छान लेना अच्छे से, इसमें पानी दोगुना मिलाकर फिर आप सब पौधों को दे दीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर आप देखिए एक वीक में तो बहुत ही अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी, आपके पौधों को इतने अच्छे फूल आएंगे, अच्छे अच्छे फ्लावर आएंगे और फल भी आएंगे, फलदार पौधे में भी डाल सकते हैं फ्रेंड। मिल्क तो ज़रूर मिलाइए, छाछ मिला सकते हैं, मिल्क मिला सकते हैं, गुड़ थोड़ा देसी गुड़ हो तो बहुत ही अच्छा वो काम करता है। तो सब फ्रेंड ये हमारा ऑर्गेनिक खाद है, मैं लिक्विड खाद बनाती रहती हूँ फ्रेंड, मेरा गार्डन पूरा ऑर्गेनिक है तो मैं ऑर्गेनिक ही सब बनाती हूँ। जब मैं कभी कटिंग करती हूँ तो सब पत्तों को भिगो देती हूँ, उसमें फ्लावर भिगो देती हूँ। मेरे बेटे की शादी हुई थी तब फ्लावर मंगवाए थे हमने, जो डेकोरेशन के लिए, वो सबको मैंने भिगो कर खाद बनाया था, आपके साथ शेयर किया था, गुलाब का बनाया था, गेंदे का बनाया था,
मैं कोई भी फ्रेंड कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, गार्डन में से निकलती है वो सब हमारे लिए बहुत ही कीमती है। कोई भी पत्ता हो, पत्तों को भिगो दीजिए, जो भी कटिंग किया है उसके पत्तों को भिगो दीजिए। मैं वो भी बनाती हूँ फ्रेंड, पत्तों को भिगो कर। तो आप भी ऐसे ही करिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। हमारे गार्डन से जो भी निकलता है कचरा वो बेकार नहीं है, कोई भी पत्ता खराब नहीं है। हाँ, इसमें कोई लगा हो, कीड़े लगे हो तो पत्ता फेंक दीजिए, बाकी अच्छा पत्ता हो, आपने कटिंग किया हो पौधे का, पेड़ों का, तो वो पत्ते आप भिगो दीजिए पानी में, और अच्छा, बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। तो आप भी ऐसे बनाइए फ्रेंड, और आपका गार्डन भी इतना अच्छा करे कि सब देखने वाले बोले वाह कितना अच्छा गार्डन है। क्योंकि ये मुफ्त का है, इसमें कोई पैसे नहीं लगे। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है हमारी, थोड़ा टाइम भी लगता है, मेहनत लगती है फ्रेंड। गार्डन बनाया है, हमें गार्डन का शौक़ है तो मेहनत तो लगनी चाहिए, तभी हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि हमने इतना हमारे गार्डन के लिए किया, ये काम किया, वो काम किया, ये खाद बनाया, वो खाद बनाया। सब फ्रेंड लिक्विड खाद बनाओ तो अच्छा रहेगा हमारे गार्डन के लिए। कोई इसमें DAP वगैरह मत दीजिए, इसमें सब मिल जाता है फ्रेंड, ये खाद में जो भी पौधे को चाहिए न्यूट्रिशन, जो भी खाद को इस पौधे को चाहिए वो सब मिल जाता है खुराक इसका, इसमें से। तो फ्रेंड आप भी ये बनाइए, मैंने बनाया है और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैं तो पहले से यही सब बनाती रहती हूँ फ्रेंड, सब्जी का जो कचरा निकलता है ना छिलका, वो भी भिगो देती हूँ मैं, 2 दिन भिगो कर मैं सब पौधों को दे देती हूँ। इसका वीडियो भी मैं नहीं बनाती हूँ फ्रेंड, अब मैं सबका वीडियो बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाय फ्रेंड, अभी ये खाद बनाइए और कैसा रिजल्ट आता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नए फ्रेंड हो तो ज़रूर फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बाय।